हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? जाहिर है अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और दुआ है कि आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के सामने इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक सिंपल है, अच्छा है। ट्रायल करने से पहले आप लोगों को, मोल्ड को लोड करने से पहले आप लोगों को किस बात का ध्यान रखना है? स्पेशल फॉर इजेक्टर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इसके लिए हमें मशीन में कैसे प्रोसेस करना है और मशीन की जो इजेक्टर फॉरवर्ड बैकवर्ड की जो प्लेट रहती है, मूवमेंट प्लेट रहती है, उसमें कपलिंग और जो नॉकआउट रॉड रहती है उसको कैसे फिट करते हैं, मतलब कैसे सेट करते हैं नॉकआउट रॉड को या फिर कपलिंग को। आपको पहले ध्यान में रखना है कि मोल्ड को लगाने से पहले देखना है कि मोल्ड के अंदर कपलिंग यूज हो रही है या फिर नॉकआउट रॉड यूज हो रही है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसी बेस पे आप मशीन की जो इजेक्टर फॉरवर्ड बैकवर्ड की असेंबली लाइन रहती है उसमें कैसे फिट करेंगे या सेट करेंगे कैसे, वो उस पर बात करेंगे हम। ये कई जगह इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो इजेक्टर फॉरवर्ड करने के लिए नॉकआउट रॉड रहती है वो क्या होती है, या आप ये कह सकते हैं कि इजेक्टर फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए नॉकआउट रॉड क्या होती है, या इजेक्टर फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए कपलिंग क्या होती है, कपलिंग रॉड क्या होती है, ये पूछा जाएगा। या फिर इसमें अंतर बताइए, कपलिंग रॉड में क्या अंतर है, या कपलिंग कैसे लगाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि नॉकआउट रॉड और कपलिंग में क्या अंतर होता है। आज जो हम जिस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं या जो हमने टॉपिक लिया है उसमें कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं उस पे हम बात करते हैं। देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कपलिंग रॉड एंड नॉकआउट रॉड। सेकेंड, हाउ टू सेट कपलिंग रॉड इन मशीन एंड हाउ टू सेट नॉकआउट रॉड इन द मशीन। What is the coupling rod in injection molding? या फिर पूछा जा सकता है What is the knockout rod in injection molding? या पूछा जाता है What is the difference between knockout rod and coupling rod? या पूछा जा सकता है How to set in injection molding coupling rod or knockout rod? Coupling rod क्या होती है, knockout rod क्या होती है, उस पे चर्चा करते हैं, उसको विधिवत बताएंगे। मेरे वीडियो में बने रहें, जो नए हैं मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक को मेरी वीडियो मिले जो इंजेक्शन मोल्डिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित काम में लगे हुए हैं जो, या काम कर रहे हैं कंपनी में, इंजेक्शन मोल्डिंग कंपनी में, तो वो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित नया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कपलिंग रॉड या फिर नॉकआउट रॉड का वर्क क्या रहता है। दोनों का जो वर्क रहता है, इजेक्टर को फॉरवर्ड करना या बैकवर्ड करना, ये रहता है। इनमें अंतर क्या है और इसका यूज कैसे करते हैं उस पर बात करते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं कपलिंग रॉड। कपलिंग रॉड क्या रहती है? कपलिंग रॉड दोनों तरफ से थ्रेड रहता है। कपलिंग रॉड में एक साइड जो हम फिट कर देते हैं या फिर फिक्स कर देते हैं मशीन के अंदर, दूसरा साइड हम फिक्स कर देते हैं मोल्ड के अंदर। दोनों साइड में थ्रेड रहती है। एक साइड में मोल्ड के अंदर फिट करने के लिए थ्रेड रहती है, जो कि इसको हम नाम दे सकते हैं मेल। मेल, ये मेल थ्रेड रहती है जिससे कि ये मोल्ड के अंदर कस दिया जाता है इसे। दूसरा फीमेल, फीमेल थ्रेड रहती है इसके अंदर। फीमेल मीन्स अंदर, होल के अंदर थ्रेड रहती है जो कि कपलिंग के पीछे बोल्ट रहता है, बोल्ट को इसके अंदर कसते हैं। जो मशीन है, ये मशीन की प्लेटेन है, ये मोल्ड की प्लेटेन है, ये मोल्ड के अंदर कस जाती है और ये जो है मशीन की प्लेटेन में यहाँ कसा जाता है इसे। ये मशीन के अंदर जो मशीन की मूवमेंट प्लेटन रहती है जिससे इंजेक्टर को फॉरवर्ड बैकवर्ड किया जाता है, वो जो प्लेट रहती है उसमें कसा जाता है। यहाँ तक ये फिट हो जाएगा, मीन्स ये इसके अंदर फिट हो जाएगा ये, और बाहर से हम ये बोल्ट से इसको टाइट कर देंगे।
जैसे ये टाइट कर देंगे तो ये मशीन की जो मूवमेंट प्लेटन रहती है, जो इजेक्टर को फॉरवर्ड करने के लिए प्लेट रहती है, उसमें फिक्स हो जाएगा। और क्या करेगा, ये ऐसे इजेक्टर को फॉरवर्ड करेगा या फिर बैकवर्ड करेगा। ऐसे फॉरवर्ड बैकवर्ड करेगा ना, तो क्या होगा कि ये फॉरवर्ड जैसे कर दिया, एक बार फॉरवर्ड कर दिया, उसके बाद ये मोल्ड की प्लेट जो रहती है, इजेक्टर प्लेट रहती है, उसको साथ में ही खींच के लाएगा। मीन्स जैसे ही मोल्ड की प्लेट रहती है, इजेक्टर प्लेट, जो इजेक्टर फॉरवर्ड बैकवर्ड करने की जो प्लेट रहती है, उस प्लेट को ये मूवमेंट करेगा साथ के साथ। मीन्स जब इजेक्टर को फॉरवर्ड किया, ये प्लेट आगे मूव हुई, प्लेट आगे मूवमेंट हुई, होने के बाद जैसे ही इजेक्टर फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड होके पार्ट को इजेक्ट कर दिया, इजेक्ट करने के बाद फिर जो वापस लाएगी ये प्लेट को, पूरी इजेक्टर प्लेट को ही वापस लाएगी, पूरी इजेक्टर प्लेट को लाएगी पूरी वापस, तो इजेक्टर इन हो जाएगा। मीन्स ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर जो है ये जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बैकवर्ड साथ में ही लाती है प्लेट के, तभी ये बैकवर्ड भी होता है। ये फिक्स रहती है, ये जो रॉड रहती है ये फिक्स रॉड रहती है, या दोनों साइड आप कह सकते हैं मोल्ड और मशीन के अंदर फिक्स रहती है, ये दोनों साइड फिक्स रॉड रहती है, जिसे हम कपलिंग कहते हैं। ये कपलिंग रहती है, इसके अंदर थ्रेड रहती है दोनों साइड में। मीन्स एक मेल, एक साइड में मेल की थ्रेड रहती है, मीन्स मेल की तरह बना होगा थ्रेडिंग, जो बाहर थ्रेडिंग हो रहती है, और रॉड के बाहर थ्रेडिंग रहती है, या फिर रॉड के अंदर थ्रेडिंग रहती है फीमेल की तरह। उसमें एक मेल हम इसमें जो थ्रेडिंग वाला बोल्ट लेते हैं वो कस देते हैं। मशीन की जो प्लेटन रहती हैं, मूविंग प्लेटन, इजेक्टर को फॉरवर्ड करने के लिए जो असेंबली मूविंग प्लेटन रहती हैं, उसमें कस दिया जाता है। तो क्या होता है, इजेक्टर को फॉरवर्ड करता है, बैकवर्ड करता है, मीन्स ये प्लेटन जो है, दोनों प्लेटन, दोनों साइड प्लेटन, इजेक्टर की जो ये कपलिंग रॉड है, इससे बांध दी जाती है, जोड़ दी जाती है, तो ये निकलता नहीं है। मीन्स इसको एक बार जैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड किया तो इजेक्टर की पोजीशन दे दी जाती है कि इतने इजेक्टर फॉरवर्ड होगा, उसके बाद इतना इजेक्टर बैकवर्ड होगा, उसकी भी पोजीशन दे दी जाती है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कपलिंग कहते हैं। कपलिंग माने दोनों को जोड़ के रखा हुआ है, मूविंग प्लेटें जो रहती है इजेक्टर की, मशीन की मूविंग प्लेटें रहती हैं उसको, और इजेक्टर की जो असेंबली प्लेट रहती है, इजेक्टर असेंबली प्लेट, मूविंग असेंबली प्लेट जो रहती है, वो दोनों जुड़ी रहती है आपस में, इसे कपलिंग रॉड कहते हैं। नॉकआउट रॉड या कपलिंग रॉड, दोनों का वर्क रहता है, इजेक्टर को फॉरवर्ड करना या बैकवर्ड करना, दोनों का यूज यही रहता है। अब बात करते हैं नॉकआउट रॉड को कैसे इजेक्टर को फॉरवर्ड करने के लिए या बैकवर्ड करने के लिए यूज में लाते हैं, या कैसे होती है, सेट कैसे होती है, इसको कसते कैसे हैं, मशीन में कैसे कसते हैं और मोल्ड में कैसे कसते हैं। देखिए, ये नॉकआउट रॉड मेल थ्रेडिंग एक साइड में होती है, इसको हम मशीन के अंदर कस देते हैं, मशीन की जो इजेक्टर फॉरवर्ड बैकवर्ड करने की प्लेट रहती है उसके अंदर कस देते हैं। यहाँ पर हमने ये नॉकआउट रॉड की एक जो मेल साइड है, मेल है, उसको कस दिया हमने इसके अंदर, ये हमने कस दिया मशीन के अंदर, और दूसरा साइड जो रहता है वो मोल्ड के अंदर इजेक्टर को फॉरवर्ड करने के लिए या बैकवर्ड करने के लिए पोजीशन दी जाती है, जगह होती है मोल्ड के अंदर। मोल्ड के अंदर जो प्लेटन को फॉरवर्ड करती है उसमें एक इस तरह का होल मिलेगा आपको, होल में आप ये केवल ऐसे डाल देंगे, इसको हमें कसना नहीं है मोल्ड के अंदर, ना कसा जाता है। ये क्या करेगा, ये मशीन की जो मूविंग प्लेटन रहती है इजेक्टर को फॉरवर्ड करेंगी, इजेक्टर फॉरवर्ड हो गया, इजेक्टर फॉरवर्ड हो गया, इजेक्टर फॉरवर्ड होने के बाद पार्ट को इजेक्ट कर दिया, पार्ट नीचे इजेक्ट हो गया, उसके बाद क्या होगा, ये मोल्ड के अंदर जो प्लेटें रहती है, इजेक्टर प्लेट रहती है, उसमें स्प्रिंग लगे रहते हैं, स्प्रिंग लगे रहते हैं, स्प्रिंग से वो वापस आती, जब ये प्लेटन वापस आएंगी मशीन की, तो इसके इजेक्टर की प्लेटन जो मोल्ड के अंदर जो स्प्रिंग रहते हैं उससे खुद ब खुद वापस आएगी, ये खींच के नहीं लाएगी प्लेट, ये जो रॉड रहती है ये रॉड पूरी खींच के नहीं लाएगी, केवल पुश करेगी, पुश करने के बाद इजेक्टर प्लेट के अंदर जो
स्प्रिंग रहते हैं वो रॉड को जैसे ही मूव करेंगे पीछे, रॉड को पीछे जैसे ही लेंगे तो वो क्या करेगा, इजेक्टर की प्लेट पूरी पीछे आ जाएगी, स्टक से पूरी पीछे आ जाएगी और क्या होगा कि इजेक्टर अंदर हो जाएगा, मोल्ड के अंदर हो जाएगा, इजेक्टर पार्ट को इजेक्ट करेगा। और ऐसे ये प्रोसेस रहता है नॉकआउट रॉड का, जो कि इसमें एक साइड कसते हैं, मशीन के अंदर कसते हैं, मोल्ड के अंदर कसने का प्रोविजन नहीं होता है। ये स्प्रिंग जो रहता है मोल्ड के अंदर वही इजेक्टर को इन करता है। अगर बात करें कि इसमें अंतर क्या होता है, तो फर्स्ट जो हम इसका अंतर लेंगे दोनों में, जो पहला अंतर होगा वो ये होगा कि कपलिंग में दोनों साइड थ्रेड होती है, एक साइड मेल थ्रेड होती है, दूसरे साइड फीमेल थ्रेड होती है। फीमेल का होल होता है उसके अंदर थ्रेड होती है और मेल का बाहर थ्रेड होती है। नॉकआउट रॉड में थ्रेड एक साइड रहती है, मेल थ्रेड रहती है। दूसरा पॉइंट अगर हम लें तो कपलिंग में जो इजेक्टर प्लेट रहती है वो पूरी मोमेंट होती है कपलिंग के साथ ही, दोनों साइड जुड़ा होता है, दोनों साइड फिक्स होता है, तो जो मोमेंट होता है वो खींच के लाती है, इजेक्टर प्लेट को खींच के लेके आती है कपलिंग। मींस कपलिंग रॉड दोनों साइड फिक्स होती है, एक साइड मशीन के अंदर और दूसरा साइड मोल्ड के अंदर। नॉकआउट रॉड में ऐसा नहीं होता है, मशीन के अंदर ही नॉकआउट रॉड को फिट करते हैं या मशीन के अंदर ही नॉकआउट रॉड फिक्स होती है, उसको कसा जाता है, उसके बाद जो दूसरा शोर होता है या दूसरी तरफ का जो एरिया होता है वो मोल्ड के अंदर हम डाल देते हैं, उस मोल्ड के होल के अंदर डाल देते हैं जहाँ पर प्लेटन मूव करने के लिए प्रोविजन होता है। मोल्ड के अंदर जो होल होता है उसके अंदर डाल देते हैं केवल, वो फिर मूवमेंट करती रहती है, उसको आगे पीछे मूवमेंट करेगी प्लेट, केवल आगे पीछे मूवमेंट होगी। उसके बाद ये जो रॉड है, रॉड अपने आप पीछे आ जाएगी, पुश करने के बाद, पुश किया उसके बाद पीछे आ गई, पुश किया पीछे आ गई, ये अंतर है इसका। इस तरह अगर आप पॉइंट और भी बनाना चाहें या और पॉइंट इसमें अंतर बताना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। कपलिंग रॉड में एक बोल्ट का यूज किया जाता है जो कि मशीन के अंदर फिक्स कर दिया जाता है। दूसरा, नॉकआउट रॉड में बोल्ट का यूज नहीं किया जाता है, केवल ये मोल्ड के अंदर इन कर दी जाती है, मोल्ड के होल के अंदर इन कर दी जाती है, जहां से प्लेटन को फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए काम में लाया जाता है। प्लेटन को फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए जो एक होल रहता है मोल्ड के अंदर, उसमें ये रॉड उसके अंदर डाल दी जाती है तो प्लेटन को पुश करेगी। कपलिंग रॉड में जो मशीन के अंदर प्रोसेस करते हैं वो कैसे करेंगे, देखिए यदि ये कपलिंग रॉड हमने फिक्स कर रखी है, ये होगी मशीन के अंदर, ये हो गया मोल्ड के अंदर, मोल्ड के अंदर लगा दी हमने इस तरह से कपलिंग, और क्या होगा कि यहाँ से ये कपलिंग ऐसे फॉरवर्ड करे, कपलिंग रॉड मोल्ड के अंदर जो प्लेटें है उसको फॉरवर्ड करे, जैसे यहाँ 100 mm हमने फॉरवर्ड करे, 25 mm, यानी कि हमने यहाँ 30 की स्पीड से 100 इस तरह हमने रॉड को फॉरवर्ड किया। तो हम जब बैकवर्ड करते हैं तो ये बैकवर्ड में कुछ पोजीशन लेता है, उस पोजीशन को हमने सेट करना होता है, ऊपर पोजीशन बताता है कि कितने mm बैकवर्ड पोजीशन बच रही है, जो हमने ये कसा है ना, ये थ्रेडिंग इसके अंदर मशीन के अंदर कसा हुआ है ना, तो वो बताती है कि कितने mm हमने इसमें स्पेस देना है। कसने के बाद वो पोजीशन हमें डालनी पड़ती है, इसको बोलते हैं बैकवर्ड पोजीशन। मशीन के अंदर बैकवर्ड पोजीशन को हम सेट करेंगे कि इतने mm हमने बचा के रखा हुआ है बैकवर्ड करने के लिए, क्यों, क्योंकि ये मूवमेंट होगी ऐसे प्लेट, अगर ये पोजीशन नहीं रखी, हमने कस दिया टोटल पूरा जीरो पे कस दिया, जीरो जीरो कस दिया और पोजीशन हमने दे दी जीरो, वो उस जीरो पोजीशन तक जाएगा पीछे तो कपलिंग की थ्रेड यहाँ से डैमेज हो जाती है, टूट जाती है, इसका ध्यान रखना होता है स्पेशल। तो ये मान लीजिए 25 mm 30 की स्पीड से हमने इजेक्टर को फॉरवर्ड किया, 100 mm तक हमने फॉरवर्ड करना है, 40 की स्पीड से आगे फॉरवर्ड किया, अब बैकवर्ड क्या हुआ, इसी कंडीशन में बैकवर्ड हो गया, और जिस बैकवर्ड के बाद जब ऐसे बैकवर्ड हुआ तो हमें ये पोजीशन यहाँ दिखाएगी, शो करेगी मशीन के ऊपर कि
सेट में जब हम पहले सेट करेंगे उसमें पहले ये देख लें कि ये पोजीशन कितनी आ रही है, उसी बेस पर मशीन के अंदर हम बैकवर्ड पोजीशन दे देते हैं ताकि इसके मोमेंट में इशू ना आए। मोमेंट करेगा जो प्लेट इससे रॉड से, रॉड जो पुश करेगी आगे पीछे इसको खींच के लाएगी, उससे कोई दिक्कत ना आए। इतने 10 mm या कितना 5 mm कितना भी आए वो आप रख सकते हैं, वो रखने के बाद ही प्रोसेस करें। यदि ये कंडीशन आप नहीं रखेंगे, जीरो डाल दिया, मान लिया पोजीशन ऊपर मांग रही है 10 mm और आपने जीरो डाल दिया, जीरो ये सेट पोजीशन जीरो कर दी, बैकवर्ड वाली जो बैकवर्ड रहती है उस पोजीशन को हमने जीरो अगर सेट कर दिया तो कपलिंग क्या करेगा, खींच के लाएगा जीरो तक लेके आएगा। 10 mm तक हमें रोक देना है कपलिंग को पीछे लाने के लिए, लेकिन ये जीरो तक जब लाएगा, जब जीरो लेके आएगा, जीरो तक खींच के लाएगा तो यहां से तोड़ देगा, ये कपलिंग टूट जाएगी। इसलिए कपलिंग का ध्यान रखने के लिए इस कंडीशन को बहुत जरूरी अप्लाई करना होता है, इसलिए मैंने ये बताया। इजेक्टर फॉरवर्ड बैकवर्ड करने का तो आप प्रोसेस कर ही लेंगे, इसको आप स्पेशल ध्यान दें, जो जितना ले रहा है पोजीशन ऊपर बैकवर्ड की उतनी पोजीशन डाले ताकि वो कपलिंग को डैमेज मत करे। मशीन खींचेगी प्लेटन पूरी पीछे खींच देगी तो ये कपलिंग बाहर निकल जाएगी या फिर थ्रेड डैमेज हो जाएगी इसकी या मशीन की, दोनों में से किसी की हो सकती है। नोकट रॉड को तो आप एक साइड मशीन में फिक्स कर देंगे और दूसरा साइड मोल्ड के होल में डाल देंगे जहां से इजेक्टर को फॉरवर्ड बैकवर्ड करने की प्लेट लगी रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। केवल ये प्लेट बैकवर्ड फॉरवर्ड होगी और आप बैकवर्ड फॉरवर्ड के लिए जो प्रोसेस कर रहे हैं वो कर देंगे, सेट कर लेंगे। उसकी स्पीड कितनी रखनी है आपको, इजेक्टर की पोजीशन कितनी रखनी है, तो इजेक्टर पार्ट को इजेक्ट करने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम में ना आए, यानी इजेक्टर पार्ट को इजेक्ट करने के लिए ज़्यादा इशू ना आए, इसलिए हम उतनी पोजीशन दे देंगे। तो ये जो प्लेट रहती नो कॉल्ड रोड इसको पुश करेगी, इस होल के आगे जो होल बने रहते हैं इसके अंदर जो प्लेट रहती है उसको पुश करेगी, इजेक्टर पार्ट को इजेक्ट कर देगा, उसके बाद ये अपना काम करके वापस चली आएगी। ये वापस आ जाएगी तो प्लेट के अंदर जो स्प्रिंग रहते हैं और इजेक्टर को वो अपने आप पीछे लाएंगे, इसका कोई वर्क नहीं रहता, ये रिटर्न हो जाती है। पोजीशन रहती है बैकवर्ड की पोजीशन रहती है, वो जीरो रख सकते। यदि मोल्ड के अंदर नॉकआउट रॉड यूज नहीं कर सकते, मीन्स कपलिंग का प्रोविजन है मोल्ड के अंदर, तो हम कपलिंग का ही यूज करें। नॉकआउट रॉड से प्लेटन मूवमेंट नहीं होगा, इजेक्टर का जो प्लेटन रहती है, जो इजेक्टर असेंबली रहती है, वो पूरी तरह से खींच के नहीं ला पाएगा नॉकआउट रॉड। मींस ये तो पकड़ के रखता नहीं है कि मोल्ड के अंदर जो प्लेट है उसको पकड़ के खींच के लेके आए, बस इसका काम रहता है कपलिंग का खींच के लाना, ना कंट्रोल केवल आगे पीछे होगी तो हम इसका यूज नहीं कर सकते यदि कपलिंग का मोल्ड है तो। यदि मोल्ड के अंदर स्प्रिंग है उसमें नॉकआउट रॉड भी यूज हो जाएगी और कपलिंग भी यूज हो जाएगी, दोनों कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। नॉकआउट रॉड वाली जो मोल्ड रहते हैं, नॉकआउट रॉड वाले जो मोल्ड रहते हैं उसमें हम कपलिंग या नॉकआउट रॉड दोनों का यूज, किसी में एक का यूज कर सकते हैं। अगर कपलिंग का मोल्ड है तो आप नॉकआउट रॉड यूज नहीं कर सकते। कपलिंग रॉड और नॉकआउट रॉड का डिसएडवांटेज या एडवांटेज क्या है? कपलिंग रॉड में क्या होता है कि कपलिंग रॉड में इजेक्टर असेंबली को हम एक जगह फिक्स कर देते हैं तो वो इजेक्टर को पूरा खींच के लेके आता है, मींस इजेक्टर जैसे फॉरवर्ड हुआ उसके बाद उसको पीछे खींच के लाएगा, तो इजेक्टर आगे रह के मोल्ड को क्लोज होने के कंसर्न कम रहते हैं। मोल्ड क्लोज होने से पहले इजेक्टर पीछे आ जाता है। ऐसे नॉकआउट रॉड का अगर बात करें तो वो एक बार पुश कर देगा, उसके बाद स्प्रिंग पीछे ला रहा है कि नहीं ला रहा उससे मतलब नहीं है। इजेक्टर को बैकवर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है उससे मतलब नहीं है, वो एक बार पुश करके पीछे चले आएगा, जो नॉकआउट रॉड रहती है पीछे आ जाएगी तो इजेक्टर फॉरवर्ड रह सकता है, मोल्ड क्लोज होगा तो मोल्ड डैमेज हो सकता है। कपलिंग रॉड में थ्रेडिंग रहती है, अगर आप पोजीशन नहीं डालते हैं उसमें, पोजीशन देख के मशीन के अंदर प्रोसेस नहीं करते हैं तो वो थ्रेडिंग डैमेज होने के चांस रहते हैं। नॉकआउट रॉड में ऐसा कुछ नहीं रहता है, पोजीशन नहीं देनी पड़ती है, जो जीरो पोजीशन पे भी वो फॉरवर्ड होगा और बैकवर्ड होगा, अपने को बैकवर्ड पोजीशन नहीं देनी पड़ती है। कपलिंग रॉड में थ्रेडिंग ज़्यादा मिस होती हैं, थ्रेडिंग ज़्यादा डैमेज होती हैं, और नॉकआउट रॉड में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि एक साइड से खुली रहती है तो आगे पीछे मूवमेंट होती रहती है। कपलिंग रॉड में केवल कपलिंग रॉड ही यूज कर सकते हैं,
जबकि नॉकआउट रॉड में नॉकआउट रॉड और कपलिंग रॉड दोनों ही यूज कर सकते हैं। मोल्ड के अंदर दोनों का प्रोविजन होता है। अगर दोनों का प्रोविजन है तो हम उसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, नॉकआउट रॉड यूज कर सकते हैं या कपलिंग रॉड यूज कर सकते हैं। कपलिंग रॉड को बनाना पड़ता है, बनवाना पड़ता है कपलिंग रॉड को, और मशीन के अंदर जो आती हैं वो नॉकआउट रॉड ही आती है। तो हमें ये एक बेनिफिट हो जाता है कि हमें कपलिंग बनानी नहीं पड़ रही। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो किस टॉपिक पे आगे बनाएं उसके लिए भी हमें सजेस्ट करें। आप लोगों का मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।